हम इंसानों का दिमाग रहस्यों से भरा होता है। दिमाग के बारे में अभी ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जिनका जवाब ना तो मेडिकल साइंस के पास है और ना ही साइंटिस्ट के पास। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। साइंस और मेडिकल साइंस की इतनी ज़्यादा तरक्की करने के बावजूद भी अब तक बहुत सारे ऐसे अनसुलझे से सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। नमस्कार, मैं रुचि राय और आप देख रहे हैं RR इन्फोटेनमेंट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। जी हाँ, ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स हैं जिसे बेहद कम लोग जानते होंगे। जैसे कि क्या आपको ये मालूम है कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां सबसे पहले और सबसे ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है? क्या आपको ये मालूम है कि ब्रेन में कितना परसेंट पानी होता है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको हमारी ये वीडियो देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो का ये खूबसूरत सफर। इंसान के शरीर में सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाले हिस्से का नाम है दिमाग। आज भी दिमाग में ऐसी अनसुलझे से तार हैं जिसे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिलकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानी दिमाग का वजन 3 पाउंड के आसपास होता है और दिमाग का 73 हिस्सा पानी से बना होता है। दिमाग ही शरीर का वो हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा फैट इकट्ठा होता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोगों को लगता है कि फैट सबसे पहले पेट पर इकट्ठा होता है, मगर ये बात सच नहीं है। दिमाग ही शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो शरीर में मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा इस्तेमाल कर लेता है। अगर इसे 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिले तो दिमाग परमानेंट डेड हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि खुली हवा में सांस लें ताकि दिमाग को फ्रेश एयर मिल सके और तेजी से दिमाग दौड़ सके। यदि दिमाग में 8 से 10 सेकंड के लिए भी खून की कमी हो जाए तो हम अपनी चेतना खो देंगे। एक रिसर्च के मुताबिक 1 गिलास पानी पीने से दिमाग 14% तेजी से चलता है। जब तक प्यास नहीं बुझती तब तक दिमाग को कंसंट्रेट करने में परेशानी होती है। क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड में कितने तारे हैं? नहीं ना, ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं उससे कहीं ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे दिमाग में हैं और इन्हीं न्यूरॉन्स में होने वाले पल पल के कनेक्शन से हम इंसान सोच पाते हैं। दिमाग हर वक्त एक्टिव रहता है, यहाँ तक कि सोते वक्त भी। जी हाँ, दिमाग हमें और आपको सपने दिखाकर खुद को जगाए रखता है, क्योंकि दिमाग के लिए हर वक्त उसका काम करना बेहद जरूरी है। जिस इंसान का दिमाग सो जाता है वो इंसान मर जाता है। इसीलिए सोते वक्त दिमाग सबकॉन्शियस माइंड से कुछ जरूरी मेमोरी से ऐसी चीजें निकाल के हमें सपने दिखाता है ताकि वो खुद को एक्टिव रख सके। इंसानी दिमाग में प्रतिदिन लगभग 50,000 से ज्यादा विचार उत्पन्न होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक इसमें से 70% नकारात्मक विचार होते हैं। ब्रेन ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आने से नेगेटिव रूप से इफेक्ट होता है। इस प्रकार की फ्रीक्वेंसीज सेल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से आती हैं। इंसानी दिमाग की याद रखने की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है, जो दिमाग के पूरे हिस्से में अलग अलग जगह सेव होती है। जैसे ही हम किसी पुरानी बात को याद करने की कोशिश करते हैं उस वक्त ब्रेन में ठीक वैसे ही न्यूरॉन फायरिंग होती है जैसे घटना घटते वक्त हुई होगी, और इसीलिए वो चीज हमें याद आनी शुरू हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक दिमाग की कैपेसिटी 2.5 मिलियन गीगाबाइट है। ये उतना ही है जितना एक पूरा इंटरनेट स्टोर किया जा सके। जन्म लेने के बाद से बचपन के कुछ सालों तक हमें कुछ भी याद नहीं रहता। इसकी वजह है दिमाग के मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस पूरी तरह से डेवलप नहीं होते। हिप्पोकैम्पस के पूरी तरह डेवलप होने के बाद ही दिमाग यादों को सहेज कर रखने का काम शुरू करता है। ये एक मिथ है कि इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही हिस्सा इस्तेमाल करता है। असल में हम इसका उपयोग पूरा करते हैं। जब हम सोते हैं उस वक्त भी हमारे मस्तिष्क का 10% से ज्यादा अधिक हिस्सा इस्तेमाल हो चुका होता है। यदि दिमाग से एमिग्डाला नाम के हिस्से को निकाल दिया जाए तो डर जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमेशा के लिए इंसान के अंदर से खत्म हो जाएंगे। ब्रेन में मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम होता है जो घटने वाली घटनाओं के बारे में दिमाग को साइन देता रहता है। जिस इंसान के दिमाग में ये सिस्टम जितना ज्यादा एक्टिव होता है वो उतनी सही भविष्यवाणी कर सकता है। हमें नींद महसूस करने का कारण ब्रेन में एडिनोसाइन नाम के केमिकल का बनना होता है। अच्छी नींद लेने से एडिनोसाइन का लेवल गिर जाता है और जागने के बाद आप तरोताजा महसूस करते हैं। हर इंसान के दिमाग एक दूसरे से अलग होते हैं। दिमाग में बनी झुर्रियों की बनावट की वजह से दिमाग सही तरीके से प्रोसेस कर पाता है।
इन झुर्रियों को सुलसी कहते हैं। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो मस्तिष्क में नई झुर्रियां विकसित होती हैं। ये झुर्रियां ही IQ का सही पैमाना मानी जाती हैं। आदमी और औरत के दिमाग के साइज में अंतर होता है। औरत के दिमाग से 10% बड़ा होता है आदमी का दिमाग, लेकिन औरत का दिमाग आदमी के दिमाग से 10% तेजी से चलता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि आदमी बड़े दिमाग वाला है या फिर इस आदमी का तो दिमाग ही छोटा है भाई। बेशक ये बात आम लहजे में कही जाती हो, मगर सच यही है कि वाकई इंसान के दिमाग का साइज उसकी सोच के अनुसार बढ़ता और घटता रहता है। हम इंसान जितना ज्यादा पॉजिटिव और जितना ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उतनी ज्यादा इसकी नसें खुलती हैं और दिमाग का साइज बढ़ता चला जाता है। यदि किसी इंसान के दिमाग में नेगेटिव सोच ज्यादा आती है या फिर कहें वो अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करता है तो उसके दिमाग के साइज में कोई बदलाव नहीं आता। यहाँ तक कि ज्यादा नेगेटिव सोचने पर दिमाग की नसों के अंदर ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं और उसकी नसें सिकुड़ने लग जाती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोगों की हैंडराइटिंग बेहद खराब होती है। एक रिसर्च के मुताबिक खराब हैंडराइटिंग वाले इंसान का दिमाग ज्यादा तेज चलता है, वो आम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। दरअसल इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इंसान का शरीर का हर हिस्सा एक साथ काम करता है। दिमाग जैसे जैसे सिग्नल भेजता है, लिखते वक्त उसके हाथ उतने तेज चलते हैं। मगर जिस आदमी का दिमाग ज्यादा जल्दी और तेज चलता है और वो तेज सिग्नल भेजने लग जाता है, उस मुकाबले हाथ तेजी से नहीं चल पाते। इसीलिए उस इंसान की राइटिंग खराब होती है, जबकि सुंदर राइटिंग वाले इंसान का दिमाग और हाथ दोनों साथ साथ काम करते हैं। दिमाग के इस तेज प्रोसीजर को आउट ऑफ सिंक कहा जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि दिमाग के साथ बल्ब की फोटो बनी होती है, या कुछ लोग कहते सुने होंगे आपने कि भाई इसके दिमाग की बत्ती तो लेट जलती है, या फिर इसके दिमाग की बत्ती तो भाई फटाफट जलती है। दरअसल दोस्तों, दिमाग लगभग 12 से 25 वाट की बिजली पैदा करता है। ये वाट कम क्षमता वाली LED लाइट जलाने के लिए पर्याप्त है। अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन का वजन 2.71 पाउंड था, जो दिमाग के एवरेज वजन 3 पाउंड से 10% कम था। हालांकि उनके ब्रेन की न्यूरॉन डेंसिटी एवरेज से कहीं ज्यादा थी। सबसे वजनी दिमाग इवान टर्गेनिव का था, जिसका वजन 2.5 किलो था। देखा आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल का कनेक्शन एक हेल्दी दिमाग से किस तरह है। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तब तक आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है और पाना है जल्द से जल्द हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन। और अपना ख्याल रखना है और हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है ताकि आपका ब्रेन यानी आपका दिमाग हेल्दी रहे।